अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है गति, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मोशन, और ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट वन है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जो आपका चैप्टर है मोशन, ये चैप्टर आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ, यानी आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स यहाँ पे कवर अप कराने वाला हूँ। मैं आपको एक बात पहले ही बता देता हूँ, जब तक आप इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप इस चैप्टर के ना क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और ना ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट डिटेल में पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट के बीच में से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगर आप थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है, यहाँ पे लिखा है गति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। तो चलिए देखते हैं आखिर गति होती क्या है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पे लिखा है यदि कोई वस्तु समय के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे लिखी है समय के साथ, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे लिखा है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो वह स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाता है, यानी मोशन कहलाता है। तो यहां पे आपको मोशन की डेफिनेशन दी है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो वह स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाता है, मोशन कहलाता है। अब आगे आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं मोशन के, यानी गति के। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया है सड़क पर वाहनों की गति, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको दिया है सड़क पर वाहन की गति। तो जब सड़क पर वाहन गति करता है अर्थात चलता है, तो उसकी स्थिति में समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब सड़क पर वाहन गति करता है अर्थात चलता है तो उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया पहला वाला। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे लिखा है खेल के मैदान में खिलाड़ियों की गति इत्यादि। क्या लिखा है? खेल के मैदान में खिलाड़ियों की गति इत्यादि। तो अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हैं, जब आप फील्डिंग करते हैं, जब कोई बैट्समैन शॉट लगाता है तो आप गेंद को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते हैं? दौड़ते हैं ना, गति करते हैं ना, समय के साथ आप की स्थिति में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। तो एग्जांपल्स को भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया मोशन यानी गति। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका दिया है गति से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू मोशन। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका क्या दिया, सबसे पहले डिफिनेशन आपकी यहाँ पे क्या दी हुई है? तो सबसे पहले आपको दूरी यानी डिस्टेंस के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं आखिर दूरी होती क्या है, डिस्टेंस होती क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि किसी गतिमान, क्या लिखा है, गतिमान, यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में किसी भी दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद होनी जरूरी है। यहाँ पे लिखा है किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी भी समय में किसी भी दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी यानी डिस्टेंस कहते हैं। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे लिखा है कि दूरी अदिश राशि है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूरी आपकी कैसी राशि होती है। तो ये आपकी अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर उसके बाद यहां पे लिखा है कि इसका मात्रक मीटर होता है, दूरी का मात्रक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूरी का मात्रक क्या होता है, तो मैक्सिमम लोगों को ये पता है क्या होता है, मीटर होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट में यहां
पे आपकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस लाइन को डिटेल में समझ लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखा है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना के इसको जरूर लिख लीजिएगा। क्या लिखा है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है, ये आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है। आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे जहां पे आपका ये शून्य वाला भी रहेगा, तो ध्यान रखिएगा कि इसको लिख लीजिएगा और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। तो ये आपका टॉपिक हो गया डिस्टेंस का, यानी दूरी का। यहां से जितने क्वेश्चन आपके बन सकते थे मैंने आपको यहां पे डिटेल में बता दिया। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है विस्थापन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर विस्थापन क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कि किसी गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, डिफिनेशन यहाँ पे आपकी लिखी है कि किसी गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे लिखा है कि विस्थापन में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? विस्थापन में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, इसलिए यह सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विस्थापन आपकी कैसी राशि है, तो यह आपकी वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद यहां पे लिखा है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी लिखी है कि वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन आपका धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को आपको डिटेल में समझना है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे थ्योरी पार्ट डिटेल में करा रहा हूँ। अगर जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे, तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसीलिए इस थ्योरी पार्ट को, आप इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट को डिटेल में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे दिया है चाल, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्पीड। तो चलिए देखते हैं आखिर चाल होती क्या है, मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है, ठीक है। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी उस वस्तु की क्या कहलाती है? चाल कहलाती है, स्पीड कहलाती है। अब चाल बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने बहुत पहले से ही पढ़ा होगा। चाल बराबर आपका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चाल को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, स्मॉल यू से, फिर इज इक्वल टू एस अपॉन टी लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चाल बराबर आपका क्या हो गया? दूरी बटे समय हो गया। दूरी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और समय को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका लिखा है कि चाल एक अदिश राशि है। क्या है? चाल एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आपकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी है कि चाल सदैव धनात्मक होती है, ये ध्यान रखिएगा। जो चाल होती है यानी स्पीड होती है, ये हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है यानी धनात्मक होती है। चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। आपने कभी देखा है कि चाल में कभी ऋणात्मक लिखा हो कि हाँ इसकी चाल इतने माइनस 20 किलोमीटर, ऐसा कुछ देखा लिखा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कि चाल सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट हमारा दिया है औसत चाल यानी एवरेज स्पीड दिया है। चलिए देखते हैं आखिर औसत चाल क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी
और कुल समयांतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका कई क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन याद होनी जरूरी है। यहाँ पे लिखा है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समयांतराल के अनुपात को यानी रेशियो को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। औसत चाल बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समयांतराल। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके चैप्टर में दिए हुए हैं, तो वहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। क्या होगा आपका, औसत चाल इज इक्वल टू आपका कुल दूरी बटे कुल समयांतराल होता है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया हुआ है वेग यानी वेलोसिटी। तो चलिए देखते हैं आखिर वेग यानी वेलोसिटी होता क्या है। तो यहां पे लिखा है कि किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन की दर को उस वस्तु का वेग कहते हैं। डेफिनेशन आपकी लिखी है कि किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन की दर को यानी रेट को उस वस्तु का वेग कहते हैं, और वेग एक सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एसआई प्रणाली में वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अब यहां से आपसे दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाए कि वेग आपकी कैसी राशि होती है, तो ये आपकी सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसआई प्रणाली में वेग का मात्रक क्या होता है, तो एसआई प्रणाली में वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपको यहां पे वेग का फॉर्मूला दिया है, वेग v इज इक्वल टू विस्थापन और अपॉन में आपका समयांतराल होता है, जिसको हम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ डेल्टा एस अपॉन, ये जो आपका ये साइन है ये डेल्टा का साइन होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वेग वी इज इक्वल टू आपका यहाँ पे विस्थापन यानी डेल्टा एस, विस्थापन को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और समयांतराल यानी टाइम को हम टी से, ये मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया, और वेग को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये भी फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। जितनी बातें मैं आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ डिटेल में लिख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं थ्योरी पार्ट के बीच में से। अब देखते हैं आगे। आगे यहाँ पे लिखा है कि वस्तु का वेग धनात्मक ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी है कि वस्तु का वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया है औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी। अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा, औसत चाल पढ़ा, अब यहाँ पे औसत वेग आ गया यानी एवरेज वेलोसिटी आ गया। तो चलिए देखते हैं आखिर औसत वेग क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल समयांतराल के अनुपात को उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल समयांतराल के अनुपात को यानी रेशियो को उस वस्तु का औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको याद होना जरूरी है। तो औसत वेग बराबर आपका होता है कुल विस्थापन और अपॉन में आपका कुल समयांतराल होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आसानी होगी। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया है त्वरण यानी एक्सीलरेशन। क्या दिया है, त्वरण यानी एक्सीलरेशन दिया है। तो चलिए देखते हैं आखिर त्वरण एक्सीलरेशन होता क्या है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोगों को याद भी होगी मैक्सिमम लोगों को, कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है, मैं आपको बता दूं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। क्या पूछा गया था, 2015 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया था कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो इसको हम त्वरण कहते हैं। तो ऐसे आपसे बीच में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। जिसको डेफिनेशन याद रही होगी वो उन लोगों ने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लिया होगा। तो यहाँ पे त्वरण को ध्यान रखिएगा, त्वरण को हम
स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, स्मॉल ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्मूला दिया है कि त्वरण बराबर आपका क्या होता है, वेग परिवर्तन और अपॉन में आपका समयांतराल होता है। यानी मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। इस रूप में भी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जहाँ पे ए आपका क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन यानी त्वरण हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा बी लिखा है, बी आपका यहाँ पे वेग परिवर्तन और टी आपका समयांतराल हो जाएगा। तो इस रूप में भी इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे लिखा है कि इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो त्वरण होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद लिखा है कि यदि वेग का परिमाण घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। ध्यान रखिएगा, जब वेग का परिमाण घटेगा तब त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तब इसे हम क्या बोलेंगे, मंदन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मंदन बोलेंगे। इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स दिए हैं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा तो वहां पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये इसे क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हमारी डेफिनेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, जितनी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है इन सबको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गति से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपकी हैं, यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी सारे दिए हुए हैं, इन सबको एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, आज ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। 2011 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, 2017 के, और कई बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ जरूर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। क्या लिखा है यहां पे, गति का ग्राफीय निरूपण, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो चलिए देखते हैं आखिर गति का ग्राफीय निरूपण होता क्या है। तो यहां पे लिखा है कि ग्राफ की सहायता से गतिमान वस्तु की चाल, वेग, त्वरण तथा किसी समयांतराल में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात की जा सकती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ग्राफ की सहायता से क्या क्या ज्ञात किया जा सकता है। तो ग्राफ की सहायता से गतिमान वस्तु की चाल, वेग, त्वरण तथा किसी समयांतराल में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात की जा सकती है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है सबसे पहला टॉपिक, दूरी समय ग्राफ। इस टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जो ग्राफ वाला आप लोग पढ़े नहीं रहते हैं और इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फिर आप क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, ठीक है। ये टॉपिक आपकी बुक में भी नहीं दिया है, अगर आप अरिहंत की बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें यह टॉपिक दिया ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं आखिर दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष और दूरी को वाई अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि इस ग्राफ में समय को एक्स एक्सिस पर और दूरी को वाई एक्सिस पर प्रदर्शित किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है, तो यहाँ पे वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि दूरी समय ग्राफ विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जाता है, यानी यहाँ पे विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे क्या दी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी सबसे पहली कंडीशन है। यहाँ पे लिखा है कि एक समान चाल से गतिमान, यानी एक समान मतलब एक ही चाल से, ठीक है, एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा होती है। क्या लिखा है, न्यून कोण। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये न्यून कोण क्या होता है। मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता दे रहा हूं न्यून कोण होता क्या है। न्यून कोण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ऐसा कोण जो शून्य डिग्री से बड़ा परंतु
90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण कहलाता है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दे रहा हूँ कि ऐसा कोण जो शून्य डिग्री यानी शून्य अंश से बड़ा परंतु 90 डिग्री यानी 90 अंश से छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप जान लीजिए, जैसे 45 डिग्री का एंगल आपका हो गया, 50 डिग्री का, ये सब क्या आपके हो जाएंगे, ये सब आपके एक्यूट एंगल होंगे क्योंकि ये 0 डिग्री से क्या है बड़े हैं, लेकिन 90 डिग्री से क्या है छोटे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपका होता है न्यून कोण। तो यहाँ पे लिखा है कि एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा होती है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फिगर आपका यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। अभी ऊपर मैंने आपको क्या बताया था कि समय को एक्स अक्ष पर, ठीक है, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे टाइम यानी समय को लिया गया है, और वाई अक्ष पर आपका क्या होता है दूरी यानी डिस्टेंस। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पे डिस्टेंस दूरी जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं ये आपकी ली गई है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि दूरी जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा कि एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपकी सरल रेखा जो कि आपका न्यून कोण यहाँ पे बना रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यही आपकी कंडीशन हो गई, कंडीशन नंबर फर्स्ट आपकी है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होता है, ठीक है, क्या होता है या फिर क्या प्रदर्शित करता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा कि एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा होती है। ये ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। नेक्स्ट कंडीशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, अब यहाँ पे बात आ रही है विरामावस्था की, तो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे लिखा है कि विरामावस्था में किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे फिगर को समझिए, यहाँ पे आपका समय एक्स एक्सिस पे होगा, दूरी आपकी वाई एक्सिस पे होगी। क्या कह रहा है कि विरामावस्था में किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर। अब समय अक्ष आपका यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है और इसी के समांतर आपकी एक सरल रेखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि यदि किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ, ठीक है, यदि किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है तो यह बतलाता है कि समय के साथ दूरी नहीं बढ़ रही है, अर्थात वस्तु की गति क्या है, वस्तु की गति शून्य है, अर्थात वस्तु विरामावस्था में है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विरामावस्था लिखा हुआ है। एक बार मैं फिर से रिपीट करके बता दे रहा हूँ कि यदि किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है तो यह बतलाता है कि समय के साथ दूरी नहीं बढ़ रही है, अर्थात वस्तु की गति शून्य है, अर्थात वस्तु क्या है, विरामावस्था में है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी दिया है, जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या दी है। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी जो कि यहाँ पे थर्ड और लास्ट है, यहाँ पे लिखा है कि असमान चाल से चलती हुई किसी गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक वक्र होता है। क्या लिखा है, असमान चाल यानी अलग अलग चाल, ठीक है, असमान चाल से चलती हुई किसी गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक वक्र होता है। तो आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता, सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा कि असमान चाल से चलती हुई किसी गतिमान वस्तु का ग्राफ कैसा होता है, और आपको ऑप्शन में ये ग्राफ दे दिए जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं 2011 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे यही इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो आपका वेग समय ग्राफ से रिलेटेड था, ऑप्शन में आपको ग्राफ दे दिए गए थे सीधे सीधे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, असमान चाल की बात हो रही है तो
सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये वाला ग्राफ, यहाँ पे समय को जैसा कि आप जानते हैं एक्स एक्सिस पे लेना है और डिस्टेंस आपकी होगी वाई एक्सिस पे। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका घटती, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है घटती चाल से गतिमान वस्तु, ठीक है, घटती चाल से गतिमान वस्तु का ये आपका ग्राफ हो गया। और ठीक यहाँ पे सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला आपका लिखा है बढ़ती चाल से गतिमान वस्तु, ये आपकी बढ़ती चाल से गतिमान वस्तु का ग्राफ जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ग्राफ को अच्छे से बना लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे आपका टॉपिक हो गया दूरी समय ग्राफ। यहाँ से आपके कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक आपके बुक में नहीं दिया है, अगर दिया है तो उसमें से पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं दिया है तो यहाँ से पढ़ लीजिए। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी। क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं ग्राफ से रिलेटेड, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ग्राफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लास्ट टाइम आपसे पूछा गया था 2017 के एंट्रेंस एग्जाम में, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसको एक बार अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं आज का यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक जो आपका दिया है विस्थापन समय ग्राफ। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, ऊपर हमने पढ़ा जैसा कि आप देख सकते हैं दूरी समय ग्राफ, ठीक है, क्या पढ़ा हमने दूरी समय ग्राफ। अब हम पढ़ेंगे नीचे यहाँ पे विस्थापन समय ग्राफ, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो चलिए देखते हैं आखिर विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि भिन्न भिन्न समयों पर किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन व समय के बीच के ग्राफ को विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं। इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष और विस्थापन को वाई अक्ष पर लेते हैं, टाइम को हम एक्स एक्स पे लेंगे, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम वाई एक्सिस पे लेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कंडीशंस क्या दी हुई। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा होती है, ठीक है। ऊपर जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ग्राफ आपका सेम है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर भी हमने यहाँ पे पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे विस्थापन आ गया है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। विस्थापन को यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो यहाँ पे डी से किया गया, यहां पे आपका विस्थापन आ गया। और ऊपर हमारा क्या था, यहां पे आपकी दूरी थी, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पे जैसा कि आप देख सकते लिखा है कि एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह आपका न्यून कोण हो गया। और मैंने आपको क्या बताया कि एक्स एक्सिस पे हमें टाइम को लेना है और वाई एक्सिस पे हमें यहां पे डिस्प्लेसमेंट को लेना है, तो यह आपका ग्राफ हो जाएगा। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस लाइन को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमारा क्या दिया है। सेकंड पॉइंट दिया है कि किसी स्थिर वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ समय अक्ष की समांतर रेखा होती है। ये ध्यान रखिएगा कि किसी स्थिर वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ समय अक्ष की समांतर रेखा होती है, जैसा कि आप देख पा रहे। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी स्थिर वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ होता है, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना कि समय अक्ष की समांतर रेखा होती है, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे। फिर उसके बाद लिखा है कि विस्थापन समय अक्ष का समय वस्तु के वेग को प्रदर्शित करता है। यह भी आपको ध्यान रखना कि विस्थापन समय अक्ष, जैसा कि आप देख सकते हैं विस्थापन समय अक्ष का समय वस्तु के वेग को प्रदर्शित करता है। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पे आपका ग्राफ बना हुआ है, जो यहां पे लिखा हुआ है वही यहां पे बना हुआ है। क्या लिखा, समांतर रेखा होती है, तो यह आपकी समांतर रेखा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है और यह वाई एक्सिस पे आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, यह लाइन आपको याद है तो यह ग्राफ आप तुरंत बना पाएंगे। ग्राफ बनाने में टेंशन नहीं है, जब तक आपको यह कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहेगा तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं यहां पे सबसे लास्ट कंडीशन हमारी क्या दी हुई है। यहां पे लिखा है असमान वेग से गतिमान किसी वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ
एक कोई वक्र होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है कि असमान वेग से गतिमान किसी वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ एक कोई वक्र होता है। क्या होता है? कोई वक्र होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अभी ऊपर भी हमने यही कंडीशन पढ़ी थी, लेकिन वहाँ पे हमारा क्या था, वहाँ पे दूरी समय था, जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राफ आपका ऐसे ही यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका विस्थापन और समय आ गया। बस इतना अंतर यहाँ पे आपका आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राफ आपका ऐसे है, एक्स एक्सिस पे समय को लिया गया है, वाई एक्सिस पे आपका डिस्प्लेसमेंट है। सबसे पहले आपको घटते वेग से गतिमान वस्तु के बारे में यहां पे दिखाया गया है ग्राफ में। ये कुछ ऐसा आपका ग्राफ होता है, या आपका क्या है, एक वक्र ही तो है, एक कर्व आपका है, वक्र है, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। फिर आपको यहां पे देखिए ये सेकंड वाले ग्राफ में बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु का यहां पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये वक्र आपका यहां पे बना हुआ है, तो ये आपका दूसरा ग्राफ यहां पे हो गया। तो ये सब आपसे क्वेश्चन के में पूछा जा सकता है। जब मैं आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने कंप्लीट कर लिया अपना विस्थापन समय ग्राफ, यहां तक हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया आज की इस वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं, अभी इसके बाद आपका आएगा वेग, क्या आएगा, वेग समय ग्राफ, क्या आएगा इसके बाद आपका, अभी आपका आएगा वेग समय ग्राफ, जो कि आज की इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि वेग समय ग्राफ से आपके कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपका टॉपिक आएगा गति के समीकरण, गति के समीकरण भी हमें पढ़ने हैं। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर में आपके दिए हैं, उनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर आपका लेंथी चैप्टर है, डिटेल में पढ़ना है सारी चीज़ों को, तो टाइम आपका लगेगा यहाँ पे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।